दोस्तों, आज हम आपको दो कहानी प्रस्तुत करेंगे। दोनों कहानी के मार्मिक अंश को अगर आप समझ जाते हो तो यकीनन आपके जीवन में सदगति आज से ही शुरू हो जाएगी। तो पहली कहानी हम शुरू करते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ बचपन से ही इतने प्रेमपूर्ण थे कि वो किसी भी जीव को भूल से भी कष्ट नहीं पहुंचाते थे। यही वजह थी कि सभी जीव उनसे और वो उन सभी जीवों से बहुत प्रेम करते थे। एक बार जब सिद्धार्थ के पिता को ये बात पता चलती है कि उनका पुत्र पिता बनने वाला है, वो खुशी के मारे झूम उठते हैं और पूरे नगर में मिठाई बंटवाते हैं और ढोल नगाड़े बजवाते हैं, ब्राह्मणों को बुलवाते हैं, जिसमें वो आदेश देते हैं कि वो उनके पोते की कुंडली बनाकर उसके बारे में बताएं। सभी ब्राह्मण उनके पोते की कुंडली बनाते हैं और उसे पढ़कर बताते हैं, लेकिन उस समय उनके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसमें ऐसा कुछ लिखा होता है कि यदि ये बात राजा को पता चलती तो वो उनको जान से मार भी सकते थे, इसलिए वो कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि आपका पौत्र बहुत ही महान शक्तिशाली सम्राट बनेगा। ये सुन वो बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें इनाम देते हैं, लेकिन ये बात छुपाने योग्य बिल्कुल नहीं थी, इसलिए उनमें से एक ब्राह्मण इस बारे में सिद्धार्थ की माता और उनकी पत्नी को बताते हैं कि यदि सिद्धार्थ के पुत्र का जन्म होता है तो सिद्धार्थ की मृत्यु हो जाएगी, वो जीवित नहीं बचेंगे, क्योंकि सिद्धार्थ के जीवन में पिता का योग नहीं है। ये सुनकर उनकी माता के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो कहती हैं कि हे ब्राह्मण देव, क्या उसका कोई उपाय नहीं है? ब्राह्मण कहते हैं, एक उपाय है, यदि आप और यशोधरा कठोर तपस्या करें तो इसका उपाय हो सकता है। सिद्धार्थ की माँ और उनकी पत्नी बहुत ही कठोर तपस्या करती हैं, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर ये तय किया जाता है कि यदि सिद्धार्थ को अपने प्राण बचाने हैं तो उन्हें किसी जीव की बलि देनी होगी। परंतु ये बात सबको पहले से पता थी कि सिद्धार्थ जो किसी को थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं दे सकते, वो क्या अपना जीवन बचाने के लिए किसी मासूम जीव की बलि देंगे? ये सोचने वाली बात होती और अंत में ये तय किया जाता है कि निश्चित दिवस को सिद्धार्थ के द्वारा बलि दिलवाई जाएगी। उन्हें बलि गृह में ले जाया जाता है। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत जिज्ञासु होते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि जरूर यहाँ कोई पूजन हो रहा है, तभी मुझे ले जाया जा रहा है। सिद्धार्थ वहाँ पहुँचते हैं, फिर उनसे कहा जाता है, आप पूजा स्थल पर बैठ जाइए। सिद्धार्थ खुशी खुशी बैठ जाते हैं। वहाँ पर एक कटारी रखी होती है जिससे बलि दी जाएगी। उन्हें उस पर तिलक लगाने के लिए कहा जाता है। सिद्धार्थ थोड़े चकित होते हैं कि कटारी पे तिलक क्यों लगाया जाएगा, पर वो तिलक लगा देते हैं। उसके बाद वो कटारी उन्हें देकर साथ जाने के लिए कहा जाता है। वो उनके साथ चले जाते हैं। बलि स्थल पर पहुंचते हैं, वहां पर एक भैंस को बांध कर रखा जाता है। वो लोग सिद्धार्थ से कहते हैं कि आप अब बिना कुछ सोचे एक बार में ही इस जीव की गर्दन पर प्रहार करें और उसका सर धड़ से अलग कर दीजिए। परंतु सिद्धार्थ करुणा और प्रेम का सागर है,
इतनी सी बात सुनकर उनका हृदय पीड़ा से भर जाता है। वो कटारी को उठाते हैं और सीधा प्रहार करते हैं, लेकिन वो बलि पर प्रहार नहीं करके उसकी रस्सी पर करते हैं और वो रस्सी कटकर गिर जाती है। सिद्धार्थ कहते हैं कि यदि इस जीव की जान लेकर मुझे मेरे प्राणों की रक्षा करनी पड़े तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मैं विश्वास भी नहीं करता ऐसी किसी भी बात के ऊपर जो आप द्वारा बनाई गई है। वो कहते हैं, ब्राह्मण देव, अगर आपको हमारी इतनी ही चिंता है, हमारे राज्य की इतनी ही चिंता है, तो आप खुद की बलि क्यों नहीं दे देते? इस बलि से हमारे राज्य की रक्षा हो सकती है तो आपकी बलि से क्यों नहीं हो सकती? आप ही इसकी जगह अपनी बलि दे दें। आप क्यों इतना संकोच कर रहे हैं? आपको जरा भी इस बेजुबा पर दया नहीं आती? आपके मन में एक बार भी ये भाव नहीं आया कि ये तो बेजुबा है? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ मिलकर किसी की हत्या करूंगा, आपका इस काम में साथ दूंगा? नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। सिद्धार्थ उस रस्सी को पकड़कर आगे चलने लगते हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि सिद्धार्थ, आप बहुत गलत कर रहे हैं। सिद्धार्थ कहते हैं, मैं हर तरह के परिणाम के लिए तैयार हूं। इसके बाद यदि मेरी हत्या भी हो जाएगी तो मुझे मंजूर है। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि चाहे जानवर ही क्यों ना हो, यदि आप प्रेम करना जानते हैं तो आप ऐसा अनुभव करते हैं कि कोई लाख धन जुटाने के बाद नहीं कर पाता। आप भी इस तरह से प्रेम करुणा से भर जाओ कि पूरा संसार आपको ऐसा लगे जैसे कि वो आप खुद ही हों। सिद्धार्थ ने अपने जीवन की बिना परवाह किए उस जीव को भी कष्ट नहीं पहुंचाया। इससे साफ पता चलता है कि उनके भीतर कितना प्रेम है और वो कितना भाव विभोर है। दोस्तों, दूसरी कहानी इस प्रकार है। एक बार भगवान बुद्ध के शिष्य उनके पास आकर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं काफी समय से ध्यान कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ध्यान के उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा जो मैं चाहता हूं। आप ही बताएं मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराकर बोलते हैं कि यदि तुम्हें सांसारिक जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे कठिन परिश्रम से ही प्राप्त किया जा सकता है। उस लक्ष्य के लिए तुम्हें पता है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम योजना बना सकते हो, कठिन परिश्रम कर सकते हो, लेकिन ध्यान एक अलग ही प्रक्रिया है। यह सांसारिक नहीं, भीतरी होती है। इसे पाने के लिए ना तो तुम योजना बना सकते हो, ना ही कठिन परिश्रम कर सकते हो, और ना ही तुम कुछ ऐसी चीज का प्रयोग कर सकते हो जो तुम्हारे दिमाग से शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं, जिस तरह लोग सांसारिक जीवन चीजों को पाने के लिए कोशिश करते हैं, उसी प्रकार तुम ध्यान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बिल्कुल अलग बात है। क्या तुम जानते हो कि ध्यान में अंतिम लक्ष्य क्या होगा? क्या तुम सोच सकते हो? क्या तुम सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। तुम अपने दिमाग के अंदर इस चीज को सोच ही नहीं सकते कि वो अंतिम लक्ष्य होगा। फिर कैसे तुम उस चीज को सोचकर प्राप्त कर सकते हो? ये बिल्कुल असंभव है, नामुमकिन है। इसे करने का तरीका है, निराश मत हो, लेकिन ये नहीं जो तुम कर रहे हो। बुद्ध कहते हैं, जिस समय तुम ध्यान में बैठो उस समय तुम्हारे मन में जरा सी भी
लालसा नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो अंतिम सत्य ही क्यों ना हो, यदि तुम ध्यान के दौरान अंतिम सत्य को लक्ष्य बनाकर चलते हो और फिर तुम अंतिम सत्य को जानते ही नहीं हो, तो तुम उस चीज को नहीं पा सकते जो वास्तविक है। तुम चूक जाओगे तो तुम्हें ध्यान के दौरान ध्यान की उस अंतिम अवस्था के बारे में भी नहीं सोचना है। तुम्हें सिर्फ पूरी तरह से स्वयं को अर्पित कर देना है, पूरी तरह से अपने आप को छोड़ देना है। उस समय तुम्हारे लिए कोई भी चीज जरूरी नहीं होनी चाहिए, कोई भी नहीं, यहां तक कि मैं भी नहीं, यहां तक कि तुम्हारी अंतिम अवस्था भी नहीं जिसे तुम पाना चाहते हो। तब तुम ध्यान की उस चरम सीमा तक पहुंच पाओगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। भगवान बुद्ध ने बहुत ही सरल तरीके से अपने शिष्य को ध्यान के बारे में समझाया। दोस्तों, हम भी आपको यही समझाना चाहते हैं कि जिस भी समय आप ध्यान करें तो उस समय आपके दिमाग में ये भी नहीं होना चाहिए कि आपको ध्यान से कुछ पाना है या आपको अपनी समझ बढ़ानी है। आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि मेरी पोजीशन सही है या गलत। आपको बस रिलैक्स रहना है। आपने देखा होगा कि जिस तरह किसी रबड़ पर खिंचाव होता है, उसी तरह आपके दिमाग में भी खिंचाव होता है। जैसे जैसे आप अपने आप को ढीला छोड़ते जाओगे, जैसे जैसे अपने आप को मुक्त करते जाओगे हर उस लालच से जो मन आपको देता है, ध्यान के दौरान आप अपने आप ढीला महसूस करते चले जाओगे और वो अवस्था घट जाएगी जो वास्तविक रूप में घटित होनी चाहिए। दोस्तों, दोनों कहानियों से आपने क्या सीखा है, कमेंट में चंद शब्दों में लिखकर जरूर बताना। धन्यवाद।